नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। ग्रामीणों ने लगाए ग्राम प्रधान पर आवाज में पैसे लेने का आरोप। खबर है चंदौली जनपद के ब्लॉक नियंत्रबाद अंतर्गत ग्राम सभा हसनपुर कमरिया में ग्राम प्रधान द्वारा आवाज में पैसे लेने का लगाया आरोप। जानकारी के अनुसार ब्लॉक नियंत्रबाद अंतर्गत ग्राम सभा हसनपुर कमरिया ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि आवास में ग्राम प्रधान प्रति 10,000 वापस 5,000 हमसे लिया है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि मनरेगा का भी पैसा अभी तक नहीं पाया। जब प्रधान प्रतिनिधि द्वारा मीडिया कर्मी के उपस्थित में शिकायतकर्ताओं के साथ विवाद पैदा करने की कोशिश भी की गई। यही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि वोट के जमीन भी ग्राम प्रधान किसी को देकर पैसे लेते हैं। ग्राम प्रधान की भी चर्च स्थित देखने को मिली। प्रधान प्रतिनिधि प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षक भी हैं। जानकारी के अनुसार विद्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाए, पता बुखार का बहाना देकर प्रधान कार्य देखते हैं। खास खबर अवधेश यादव की। ऊपर करा मोलो हल्का घुमा फिर बाएं जा बस। ऋषि नारायण में जो अभी सब प्रकरण हुआ पूरा मामला उसके बारे में बताएं आप। किस मामले के बारे में? आवाज घोटाले और शौचालय घोटाले में आपके ग्रामीणों का आरोप है। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है सरासर गलत, क्योंकि आवास और शौचालय पूरा पैसा जो लाभार्थी खाते में जाता है, आप जाकर पता लगा सकते हैं, गांव सबके खाते में गया, उसका एडवाइस भी है। ये राजनीतिक द्वेष बस जो है हम लोगों के खिलाफ जो एक साजिश राजनीतिक चुनाव चल रहा है इसमें कर रहे हैं लोग। कुछ हमारे यहाँ तालाब में अतिक्रमण कर रहे थे लोग, उसमें हम दबाव बनाए, जन सूचना में दी वहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर, उसके बाद जो कि हमारे खिलाफ उनका आरोप है कि जब भी बैंक में पैसा आता है किस्त आती है आवास की, तो आप बैंक पर जाते हैं उनसे 10,000 रुपये या ऐसी बात नहीं, 5,000 मांगते हैं। हम कभी कोई बता कर उनसे जाए कि हम बैंक जा रहे हैं, उसके खाते में गया है अपना जाकर। ये उन लोगों को जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई इंदिरा आवास वाला है और कोई जो प्रधानमंत्री आवास का 3-4 साल 5 साल पहले भरा है, आज का मैटर है ही नहीं। आप शिक्षक भी हैं क्या? हाँ, शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं जी। किस विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय भुरोपुर। भुरोपुर आज विद्यालय बंद है क्या? आज विद्यालय बंद नहीं, आज की आज ना था क्या भैया? आज आना था, यहाँ तबीयत खराब थी, दवा लेने आए थे। अच्छा, दवा लेने आए थे। अब लिखित एप्लीकेशन दिए हैं विद्यालय में, आज हम नहीं रहेंगे, अवकाश से छुट्टी पर रहेंगे। फ़ोन किए थे, उसको फ़ोन किया है। दिनेश मास्टर थे, उनकी तबियत खराब है। क्या है दिनेश मास्टर वहाँ से? शिक्षा मित्र है। और स्कूल के ऊपर कोई उच्च अधिकारी नहीं है? प्रिंसिपल सब हैं। उनको आप लिखित दिए हैं? नहीं, लिखित नहीं देंगे। बुखार था बुखार था आपको, तो आपके पास और होगा ना, तो आप उनको लिखित देंगे पास में, आज हम अवकाश पर छुट्टी पर रहेंगे, आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं?
सर छुट्टी के लिए तो नहीं दे पाए, तबियत खराब थी। आप नियमताबाद ब्लॉक के वीडियो हैं और अभी आपके एक ग्राम पंचायत की समस्या आई है हसनपुर कमरिया, वहाँ पे लोगों ने आरोप लगाया है प्रधान जी पे कि शौचालय और आवास में धनुराही की जा रही है, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? अब ये कल एक वीडियो क्लिप पत्रकार महोदय से हमको व्हाट्सएप पर मिली है और हमने इसीलिए इसमें जरा भी ढिलाई ना बरतते हुए कल, यद्यपि कि छुट्टी का दिन था, सार्वजनिक अवकाश था, लेकिन एडीओ कॉपरेटिव को हमने भेज दिया था और शायद वो पत्रकार महोदय जान भी रहे हैं, उनसे मुलाकात वहाँ नहीं हो पाई थी, वो उसी गाँव के रहने वाले हैं जिन्होंने शिकायत की, क्लिप हमको भेजी थी। तो वहाँ जाके लोगों से उन्होंने बात करी है, कई लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करके हमको व्हाट्सएप भी वो किए थे, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा। और जिन लोगों ने शिकायत पैसा लेने की करी है, हम उसके लिए टीम बना दिए हैं, तीन सदस्य, और वो लोग जाएंगे फील्ड में, लोग जांच करेंगे बाकायदा सभी पहलुओं पर जिसपे आरोप लगाया जा रहा है कि आवास में गड़बड़ी है, शौचालय में गड़बड़ी है, जिस भी योजना में, और लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, तो उस पर जब उनकी विस्तृत और मैडम वहाँ जब मीडियाकर्मी हम लोग पहुँचे तो वहाँ का पंचायत भवन भी हम लोगों को जर्जर देखने को मिला, और साथ में पंचायत भवन के बगल में ही क्रीड़ा स्थल है, खेल मैदान है, जिसको कि वहाँ के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान जी किसी को खेती करने के लिए देते हैं और उसका जो है जो उससे धन मिलता है वो खुद अपने पास रखते हैं। अच्छा, तो देखिए इसमें जो आपने कहा पंचायत भवन जर्जर वाली बात, तो उसके लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं 15वें वित्त के लिए जो जर्जर है या जहाँ नहीं था उनको प्रायोरिटी पर बनाया जाना है, चूँकि 15वें वित्त में अभी धनराशि ग्राम सभाओं को प्राप्त नहीं है, प्राप्त होने पर वो अपने कार्ययोजना में लेते हुए तदन रूप उसे दुरुस्त कराएंगे, उसके लिए हम उन्हें निर्देशित कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप ग्राम सभा की जमीन कोई जोत बोल रहा है, तो वो मसला जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है कि कौन से जमीन का क्या उसकी क्या उसका रूप है, वो जल खाते की जमीन है कि बंजर है कि क्या है, वो निर्धारित लेखपाल और संबंधित तहसीलदार के स्तर से होता है, तो इस संबंध में SDM साहब से वार्ता की जाएगी और संबंधित लोगों को SDM साहब से संपर्क करना चाहिए कि उसकी नापी कराएं और यदि कोई काबिज है तो उसे। और मैम आज भी संबंधित ग्राम सभा में बहुत सारे कच्चे मकान देखने को मिले, क्या आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया कि वहाँ जो है अधिक से अधिक लोगों को आवास मुहैया करा जाए? हसनपुर में विगत वर्षों में बहुत आवास गए हैं, 2016 से प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में आवास गए हैं, उसके पहले इंदिरा आवास भी उस गांव में गए हुए हैं, लोगों के बने हैं, और यद्यपि कि वहाँ की आबादी कच्चे में रह रही है, तो जो सेक के बाहर की सूची के लिए बनाने के लिए निर्देश था उसमें 62 लाभार्थी हैं, उनके अभी अपार्टमेंट को डिलीट करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं, तदन रूप शासन से जब हम लोग को आदेश मिलेगा आवास दिए जाने का तो सूची के हिसाब से आवाज़ दिया। तो मैम क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि जो शिकायत मिली है उसके ऊपर जो है कोई उचित कार्रवाई की जाएगी? अब ऐसा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप लोग भी उम्मीद रखें, निराश होने का कोई वजह नहीं, यदि वास्तव में किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने गड़बड़ी करी है, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो यदि वो जाँच में आता है तो उसको DM साहब को भी भेजा जाएगा, और जैसा आदेश प्राप्त होगा, जिस तरह से हमको CDO साहब DM साहब के यहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे, तदनुरूप कार्रवाई करी जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं रहेगी।